नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि आप एक इतना क्लीन चैनल बना के इस पर काम कर रहे हो, लोगों तक अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी डायरियाँ पहुंचा रहे हो, तो आप ये एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट्स हैं इसको क्यों रख रहे हो? तो मैं उनको ये कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, इनफैक्ट ऐसा कोई किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा, कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे लोगों की बातें हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं हर चीज़ को स्वास्थ्य के साथ जोड़ता हूँ और ईश्वर भक्ति के साथ जोड़ता हूँ। इसका एक उद्देश्य है, देखिए भक्ति में शक्ति है। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिससे भी प्रेरणा ले रहे हैं, जो भी काम करके प्रेरणा देने के लिए संदेश दे रहे हैं, उसके पीछे हमारी भलाई या सबकी भलाई छुपी हुई है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर ये बेनिफिट हेल्थ रिलेटेड ना हो तो क्या फ़ायदा, या अगर हेल्थ ठीक ना हो कि हम ये चीज़ों पर जोर डाल रहे हैं तो भी क्या फ़ायदा। और हेल्थ आदमी कैसे ठीक रखेगा? कसरत से। आप ये प्रैक्टिकली देखिए, साइंटिस्ट्स का कहना है इस समय जो आदमी एक्सरसाइज करेगा, वैसे तो हमेशा हमेशा के लिए, वो 10 गुना 10 टाइम्स बेनिफिट्स पाएगा। और केवल जहनी तौर पे मेंटल स्ट्रेंथ वाइज नहीं है, वो प्रैक्टिकली बेनिफिशियल पोजीशन में रहेगा, इवन इकोनॉमिकली, इवन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड करियर वो बेनिफिटेड होगा। और वैसे भी जो मुल्क का जो हाल है इस समय, जिस तरह का जो जिस अंदाज से चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो है हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी है, तो वो उसका भी तोड़ एक्सरसाइज है। हाँ, मेडिकल गाइडलाइंस के बिना ना करें, ज़रूर मेडिकल गाइडलाइंस के साथ अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अपने अपने जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसके अनुसार करें, डेफिनेटली। लेकिन क्या है, जैसे ऑक्सीजन, अगर एक आदमी योग करे, प्राणायाम करे, और उसका मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड जो उसका नेम है, मॉडर्न नेम ऑफ योग इज़ एक्सरसाइज, अगर किसी प्रकार का लाइट वेट ट्रेनिंग भी करे, छोटा ईट ही क्यों ना उठा ले, और साथ में वो कसरत करे, पावर वॉकिंग करे, अपने घर में ही करे या कहीं पे भी करे एज़ पर द गाइडलाइंस, तो वो कितना बेनिफिटेड होगा, उसका कैजुअल वैस्कुलर हेल्थ उसका इम्प्रूव हो जाएगा, जहनी तौर पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है उसके जिस्म के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा ही होगा, जाहिर है। तो कितना बेनिफिट पाएगा, फिर जब ये डैशिंग गोल्डन डायरीज़ की प्रेरणाएं लेगा, तो ये प्रेरणाएं जब वो पाएगा, ये जो एनर्जी वो हासिल करेगा, तो वो डबली एनहैंस्ड हो जाएगा उसके लिए। तो ये हमारे कहने का मतलब है, और हमारे शॉर्ट्स को आप ज़रूर देखें, और आप देखिएगा कोई ना कोई हमारे शॉर्ट्स को देख के पॉजिटिवली बेनिफिटेड होता है और प्रभावित होता है, और डेफिनेटली इंस्पायर्ड होके वो भी थोड़ा बहुत कसरत करता है अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अपने अपने मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार, मेडिकल कंडीशन के अनुसार। मैंने हमेशा ये चीज़ कहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सनल डॉक्टर, और जो भी फैमिली डॉक्टर हैं जिसके जो हैं, उनके परामर्श के अनुसार, जिम ट्रेनर के अनुसार, या इन हाउस ट्रेनर के अनुसार अगर वो कसरत करेगा, डेफिनेटली वो बेनिफिटेड होगा, 10 times बेनिफिटेड होगा, ये साइंस कहता है, हर लिहाज से वो बेनिफिटेड होगा। और ऐसा एक दफ़ा आप करके देखिए, और वो करते करते जब आप हमारे एपिसोड्स को देखेंगे, तो ज़रूर आप जहनी तौर पे और शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे हर तरह से आप जो है बेनिफिटेड होंगे, बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो हमारे शॉर्ट्स को देखें, और ख़ुद जो भी बन पड़ता है आपसे, जिस प्रकार का भी कसरत आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, ऑफिशियली जानते हैं, और लॉजिकली जो सही ट्रेनिंग मेथड है वो जानते हैं, तो करिए और ज़िंदगी का मस्त मज़ा लीजिए। और इसके अलावा हम कहेंगे कि मैंने एक चैनल और बनाया, जिसका नाम है हिंदी इंडियन चैनल। उस पे मैंने हिंदी और उर्दू पे ज़ोर डाला है, धार्मिक शक्तियों के ऊपर ज़ोर डाला है, धार्मिक जो प्रेरणा का स्रोत है उसके ऊपर ज़ोर डाला है, और मैंने प्रयास किया है, तो उसको सुने और ज़िंदगी का मस्त मज़ा लें। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बता रहा हूँ, धर्म का अर्थ है शरीर की रक्षा, और शरीर की रक्षा का दूसरा नाम है व्यायाम। तो इसी तरह से हमारे शॉर्ट्स को देखते रहिए और मस्त मजा लीजिए।